शिवपुरी जिला अस्पताल में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच कर निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल यादव ने बताया कि शासन की मंशानुरूप स्वास्थ्य संस्थानों में बुजुर्गों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था हो, इसके लिए प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले बुजुर्गों के लिए अलग से ही 10 बेड का वार्ड शुरू किया गया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में आने के दौरान चिकित्सक से मिलने या जांच के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कदम उठाने जा रहा है। इसको लेकर विशेष इंतजाम करने का निर्णय लिया गया है। देखिए क्या कुछ कहा सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल यादव ने। सर, आज ये वृद्धजन कैंप लगाइए, किस उपलक्ष्य में? सर, अपना एक वृद्धजन केयर, वृद्धजन की देखभाल बाबत शासन का मानना था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि वृद्धजनों को भी देखरेख की जरूरत है। तो उस हिसाब से हर अस्पताल में एक जेरियाट्रिक वार्ड भी क्रिएट कर दिया, 10 बिस्तर का मिनिमम होगा और उसकी हमारे यहाँ भी शुरुआत हो गई। और इसको एक देखभाल के क्रम में ले लिया जाए प्राथमिकता के तौर पर, क्योंकि बढ़ती उम्र के बाद में केयर में कमी रहती है उनकी, तो वो बेचारे आए खड़े हों, ज़्यादा उनको समय ना लगे, अपना समझें, वो कम से कम ब्लड शुगर, कम से कम उनका बीपी हो जाए, कम से कम उनकी जोड़ों की समस्या, आँखों की समस्या, वो प्राथमिकता से उनको लेते हुए उनको आगे बढ़ा दें। एक पहल है ये जो अभी लगातार 10 दिन चलाएंगे हम लोग। हम भी 4-5 कैंप लगाएंगे और दूसरी जगह भी लगाएंगे और आगे 10 दिन तक ये रहेगा। उसके बाद नियमित तौर पर हम लोग ये ले लेंगे कि अस्पताल में आने वाले वृद्ध के लिए अलग से एक चैनल खोल के और थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए उसका स्टे, फटाफट आए, फटाफट काम करें और फटाफट उसको दवाएं और जांचें भी हो जाए, क्योंकि तो कभी केयर होती है, कभी घर वाले भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो निशुल्क हो जाए, यही उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं, जिससे उनकी लाइफ जो है आरामदायक बने। धन्यवाद आपका।